हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मिस शारन रोशन, टीचर फ्रॉम ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल. सो टुडे विल बी लर्निंग चैप्टर 1, स्मोक सिंगल. गॉड इज़ ऑलवेज विद अस. गॉड इज़ ऑलवेज विद अस. गॉड जो है, भगवान जो है, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं. सो लेट्स नो व्हाट इट इज़, व्हाट द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट. देयर वॉज वंस अ मैन हु वॉज शीप रिकल्ड. रिकल्ड यानी कि क्या? रिकल्ड यानी कि डिस्ट्रॉयड. वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था. एंड लैंडेड ऑन एन आइलैंड. किधर लैंड हो चुका था वो? एक आइलैंड में. ठीक है. एवरी डे ही प्रेड आस्किंग गॉड टू सेंड समवन टू सेव हिम. हमेशा गॉड को प्रे करता था कि प्लीज़ सेंड मी समवन टू सेव मी. वॉट ही यूज़ टू प्रे? यूज़ टू प्रे कि किसी को भेजो ताकि मुझे हेल्प कर सकें. बट टू हिज डिसअपॉइंटमेंट नो वन एवर केम. उसका डिसअपॉइंट यानी कि क्या? डिसप्लेजर ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट होप्स. मंथ्स पास्ट एंड दिस मैन लर्न हाउ टू सर्वाइव. बहुत सारे महीने पास हुए और फिर ये आदमी सीख गया कि कैसे जीना है. सर्वाइव यानी कि क्या? कंटिन्यू टू लीव on the island. During this time he collect things from the island and stored them in a hut he has constructed. वो सारे पूरे आइलैंड में से बहुत सारी चीज़ें जमा करता था और उसने जो हट बनाया था खुद से उसमें जाके स्टोर करता था. One day after hunting for food and returning back to his hut, he saw that his hut was on fire along with everything else he owned. उसने एक दिन देखा, वो पूरी चीज़ें जमा करके आने के बाद देखा कि वो जब आ रहा था रिटर्न, तो उसका जो हट था ना, उसका जो घर था, पूरा आग लग चुकी थी. देख सकते हो यहाँ पे, पूरा आग लग चुकी थी और उसने जो जो चीज़ें उसमें जमा की थी वो सारी चीज़ें जल रही थी. All his possession were going up in the smoke. उसने जो भी जमा किया था वो सारा चीज़ स्मोक में चला जा रहा. स्मोक यानी कि धुआँ पे जा रहा था. द ओनली थिंग ही वॉज लेफ्ट विथ हिज क्लोथ्स एंड हिज बैग. उसके पास सिर्फ उसके कपड़े बचे थे और उसका जो बैग था वही बचा था. ही वॉज शॉक टू सी द फायर. ही फेल्ट एंग्री. वो शॉक हो गया कि ये आग कैसे लग गई. वो गुस्सा हो गया उस चीज़ के लिए. In his fury, he began cursing. Fury यानी कि extreme anger. वो curse करने लगा. Cursing यानी saying rude words or phrases. ठीक है. Cursing God and started shouting. God को वो curse करने लगा. बहुत सारे बुरी बातें बोलने लग गया, चिल्लाने लग गया. God, how could you let this happen to me? I have been praying every day for months and now everything is on fire. How could you do this to me? बोलता है कि तुम ऐसे कैसे पॉसिबल कर सकते हो. आप जानते हो कि मैं रोज़ प्रार्थना करता हूँ और रोज़ हर एक चीज़ें करता हूँ और आप ये चीज़ें अभी पूरा आग लगने के लिए कैसे आपने किया? आपने ये क्यों पॉसिबल किया? क्यों? Later, the man was on his knees and crying when he suddenly saw a ship coming in his direction. एक दिन क्या, उसके बाद क्या होता है, वो अपने घुटनों पे गिरता है और रोने लग जाता है. उसके पास, उसके तरफ एक शिप आना चालू हो जाता है. उसके पास एक शिप आते रहता है. आप देख सकते हो एक शिप आ रहा है, तो वो शिप आ रहा था उसके डायरेक्शन में. द शिप केम क्लोजर टू द आइलैंड एंड सेव द मैन. वो आइलैंड के करीब आया और उस आदमी को उसने बचाया. द मैन आस्क्ड द कैप्टन टू ऑफ द शिप. The man asked the captain of the ship, how were you able to find me? उसने पूछा वो कैप्टन को कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा. कैप्टन रिप्लाइड, we were voyaging. Voyaging यानी कि ट्रैवलिंग by sea. हम यहाँ से ट्रैवल कर रहे थे सी से, across the ocean. When we noticed some smoke going up from the island, we decided to check out and that is how we find you. यहाँ पे से हम पास हो रहे थे, गुजर रहे थे, तो हमने देखा कि ये आइलैंड में से स्मोक ऊपर आ रहा था. इसके वजह से हमने ये देखा, तो इसके वजह से हमने सोचा कि चलो जाके देखते हैं कि क्या उधर क्या हो चुका है, क्या हुआ है. इसीलिए इस तरीके से हमने आपको देखने के लिए आए. द मैन फेल्ट सॉरी फॉर कर्सिंग गॉड.
He realized that everything happens for the good and God is always with us. वो काफ़ी सॉरी बोलने लग गया, गॉड को गिल्टी फील होने लग गया उसको. फिर वो सॉरी भी बोलने लगी, गॉड आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो. उसने अपना चीज़ें रियलाइज़ किया कि मैंने जो कर्स किया गॉड को. उसने बाद में सोचा जो चीज़ें होती अच्छे के लिए होती है और हमेशा भगवान हमारे साथ होता है. सो नाउ द एक्सरसाइज गिवन हियर, यू हैव टू राइट डाउन फ्रॉम द आंसर की विच वी हैव सेंडेड. चैप्टर टू, द हिडन ट्रेजर. हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस. हार्ड वर्क, जो भी हम मेहनत करते हैं उससे हमें हमेशा सक्सेस मिलती ही है, सक्सेस की प्राप्ति हमेशा होती है, मंजिल हमें हमेशा मिल जाती है. सो वंस अपॉन अ टाइम देर वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर हु लिव्ड इन अ साउथ इन इंडिया. थ्रू मैनी ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क ही हैड ग्रोन a vineyard that used to give rich crops of grapes every year. इतना हार्ड वर्क कर एक फार्मर था जो साउथ में रहता था, ठीक है. तो काफ़ी समय से वो वहाँ पे रह रहा था और इतना हार्ड काम करने के बाद उसने क्या ग्रो किया था, vineyard. Vineyard यानी कि जो क्रीपर्स होते हैं vineyard, उसे कहते हैं grapes जहाँ पे उगते, उसे vineyard कहते हैं. That used to give a rich crops of grapes of every year. हर साल क्या मिलता था उन्हें, ग्रेप्स मिलता था, बहुत अच्छा ग्रेप्स मिलता था. ही हैड थ्री सन्स एंड ऑल थ्री ऑफ देम वर वेरी लेजी. उसको तीन बेटे थे और तीनों भी बहुत ज़्यादा आलसी थे. दे नेवर बॉदर टू हेल्प देयर फादर इन हिज वर्क. दे वर ईजी गोइंग काइंड ऑफ पीपल हु नेवर टुक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क. सो द फादर वॉज वेरी वरीड अबाउट देयर फ्यूचर. वो लोग इतने आलसी थे कि वो लोग कभी सोचते नहीं थे कि हम डैडी को हेल्प करेंगे या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी हम उठाएंगे. वो लोग कभी अपने डैडी को हेल्प नहीं करते थे. तो वो लोग जो भी चीज़ें करते थे उनको लिए बहुत ईजी जा रहा था. हैज़ ईयर्स पास द फार्मर ग्रीव ओल्ड एंड वन डे ही फेल इल. जैसे जैसे साल बढ़ते गए वैसे ही उसके डैडी बूढ़े होते गए और एक दिन वो बीमार पड़ गए. ही कॉल्ड हिज सन्स एंड सेड, डियर सन्स, डाउट My end is near and before dying I want to tell you that in my vineyard there lies a hidden treasure. क्या होता है कि वो सोचते रहते हैं कि इन बच्चों का भी क्या होगा, तीनों भी कुछ करते नहीं है, इनका फ्यूचर कैसे होगा. तो अभी जब वो बीमार पड़ता है तो तीनों बच्चों को बुलाता है और बोलता है कि मुझे अभी डाउट आ रहा है कि मैं खुद मरने वाला हूँ, तो मरने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुमको कुछ बात बताऊँ. हमारा जो वाइनयार्ड है वहाँ पे बहुत बड़ा ट्रेजर छुपा हुआ है. ट्रेजर यानी कि हम बोलते हैं ना पैसा, दागिना हम छुपाते, ट्रेजर, ठीक है. डिग इट आउट आफ्टर माई डेथ. सेइंग दिस द ओल्ड मैन फार्मर डाइड. वो क्या बोलता है कि जब मैं मर जाऊँगा तो तुम लोग उसे खोद कर निकाल लेना. ये बोलते बोलते वो मर जाता है. After performing for the last rituals of their father, the sons began digging the vineyard. They dug every inch of it but found nothing. क्या होता है, जैसे उसके फादर का जो प्रोसेस रहता है मरने के बाद, हम जी गाड़ जलाते हैं एंड एवरीथिंग करते हैं ना, वो प्रोसेस ख़त्म होने के बाद वो लोग खड्डा खोदने जाते, देखने जाते कहाँ पे कुछ छुपा के रखा है क्या. तो वो लोग हर जगह हर एक इंच पे जाके खुदाई करते हैं, देखते हैं कि कुछ नहीं मिलता है. दे फाउंड नो हिडन ट्रेजर बट डिगिंग लेड टू सच अ रिच क्रॉप एज हैड नेवर बीन देयर बिफोर. लेकिन वो लोग ने इतना खुदाई किया था कि इतने अच्छे क्रॉप्स आए कि कभी इतने इससे भी अच्छे क्रॉप्स कभी आए नहीं थे. इवन वेन देयर फादर वॉज अलाइव, जब उनके डैडी खुद जिंदा थे तभी भी इतने अच्छे क्रॉप्स आए नहीं थे, क्योंकि ये लोग ने इतना मेहनत करके खुदाई किया था वो ट्रेजर ही ढूंढने के लिए. तो उसके बाद इतना अच्छा क्रॉप्स आया था. सो द सन्स केम टू नो दैट द रियल ट्रेजर दैट देयर फादर वॉज टॉकिंग अबाउट बिफोर हिज डेथ वॉज एक्चुअली दिस. फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि रियल ट्रेजर जो उनके डैडी जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, कि वो इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि हम लोग मेहनत लेके खुदाई करेंगे तब जाके बहुत अच्छे क्रॉप्स आएंगे.
It was not the hidden gold, but the potential to do work, to do hard work, which reaped such a good crops. Potential यानी कि capacity, ठीक है. It was not gold. उन्होंने कुछ gold या पैसे छुपा के नहीं रखे थे. उनका जो potential, उनका जो hard work, उनका जो capacity वो लोग डालेंगे खुदाई करने की. जितना अच्छा खुदाई किया उन्होंने, उतना अच्छा, इतना अच्छा rich crops उन्हें, अच्छे good crops उन्हें मिले. So the answers, answer keys we have sent you, so you have to write down the exercise, okay? Chapter 3, Fruits of Patience. ठीक है, फ्रूट्स ऑफ पेशेंस यानी कि सबर का फल. सबर का फल, ठीक है. कृष्णा वॉज अ यंग मैन एम्प्लॉयड इन अ गवर्नमेंट जॉब इन अ रांचपुर. कृष्णा कौन था? एक जवान आदमी जो गवर्नमेंट जॉब करता था रांचपुर में. ही हैड अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर डिलिशियस मैंगोज. हिज ओन टाउन डिड नॉट हैव अ गुड सप्लाई ऑफ क्वालिटी मैंगोज. उसे ना मैंगोज बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो जहाँ पे रहता था वहाँ पे ज़्यादा अच्छे क्वालिटीज़ के मैंगो नहीं आते थे. वन ईयर कृष्णा डिसाइडेड टू ग्रो मैंगो ट्रीज इन हिज फार्म. ही प्लांटेड द स्लैपिंग्स ऑफ मैंगोज इन हिज फार्म एंड नर्चर्ड यानी कि देखभाल करना. देम टू सी देम ग्रो इन टू बिग ट्रीज. ओवर द ईयर्स हिज स्लैपिंग्स ग्रो इन टू हेल्दी ट्रीज. वो क्या करता है, एक दिन अपने फार्म में, अपने खेत में क्या लगाता है, मैंगो ट्रीज लगाता है. उनका बहुत अच्छे से देखभाल करता है और फिर एक दिन ऐसा आता है कि बहुत अच्छे पेड़ हो जाते हैं. क्योंकि पेड़ कैसे, मैंगो ट्री कैसा है, काफ़ी साल लगता है बड़ा होने के लिए और बड़ा होने के बाद ही वो फ्रूट देता है. तो बहुत ज़्यादा हेल्दी ट्रीज उसके ग्रो हुए. द सीज़न केम बट द ट्रीज रिमेन फ्रूटलेस. बहुत सीजन आके जाते हैं लेकिन झाड़ रहता है ना वो फ्रूटलेस रहता है. कभी कभार उसमें कई बार मैंगोज नहीं आते हैं. विच डिसअपॉइंटेड कृष्णा बट ही डिड नॉट लूज हिज होप एंड कंटिन्यूड नर्चरिंग देम. लेकिन जब भी सीज़न आके जाता था वो सोचता था अभी मैंगोज आएंगे, अभी मैंगोज आएंगे, लेकिन मैंगोज आते नहीं थे. लेकिन ये चीज़ उसे, वो इससे उदास होता था लेकिन वो फिर भी उसे देखभाल करता था. द नेक्स्ट ईयर ही वॉज हैप्पी टू सी द फ्लावर्स बट इन सीजन दे ऑल गॉट इन्फेक्टेड. उसके दूसरे साल में वो देखता है कि फ्लावर्स आ चुके, मतलब फ्लावर्स मैंगोज में चेंज हो गए, फ्रूट में चेंज होगा, लेकिन वो भी सीजन के वजह से इन्फेक्टेड हो गए. इन्फेक्टेड यानी कि उन्हें बीमारी आ गई. एंड कुड नॉट बेयर फ्रूट्स. फिर उस पर फ्रूट्स नहीं आए. दिस मेड कृष्णा एंग्री. ये चीज़ जब हुआ तो कृष्णा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया. आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन. फ्रस्ट्रेशन यानी कि बहुत गुस्सा निकालना, फ्रस्ट्रेशन होता है ना. ही थॉट द ट्रीज टू बी अ बैड ओमेन. ओमेन यानी कि इवेंट रिगार्डेड एज अ इविल. ही कर्स्ड हिज लक एंड डिसाइडेड टू सेल द ट्रीज. उसने अपने ट्री को बहुत कोसा, कर्स किया कि ऐसा है, बुरा है, शैतान है, सब ऐसा कर्स किया और डिसाइड किया कि अभी ये मैं प्लांट ट्रीज को बेच दूंगा अलॉन्ग विद द फार्म भी बेच दूंगा. अ नियर बाय फार्मर बॉट द फार्म एंड द ट्रीज. उसके पास के फार्मर ने वो ट्रीज लिया और फार्म भी ले लिया. द सेम ईयर कृष्णा गॉट अ ट्रांसफर ऑफ हिज जॉब एंड शिफ्टेड टू अ न्यू बिगर टाउन विच हैड अ गुड सप्लाई ऑफ क्वांटिटी मैंगोज. ही रिलिश्ड इट एवरी डे. रिलिश्ड यानी कि एंजॉयड ग्रेटली. फिर वहाँ पे उसका जॉब का ना ट्रांसफर हुआ दूसरे सिटी में, जहाँ पे बड़ा सिटी था, बिग टाउन था, बहुत बड़ा टाउन था. वहाँ पे बहुत अच्छे मैंगोज की गुड सप्लाईज होते थे, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटीज के मैंगो सप्लाई होते थे और वो हमेशा डेली खाता था. Years passed. One day he overheard a mango seller calling out Ranchipur mangoes.
बहुत साल पास हुए और एक दिन वो सुनता है कि रांचीपुरी मैंगोज़ है ये, हर एक मैंगोज़ के नाम होते हैं ना, ये इधर के रत्नागिरी के हैं, ये इधर के उधर के, तो एक दिन वो सुनता है कि रांचीपुरी मैंगोज़ है। ही बिकेम एक्साइटेड एज ही हर्ड द नेम ऑफ मैंगोज़ कमिंग फ्रॉम हिज होम टाउन। उसने वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया जब उसने सुना कि उसके घर का, उसका जो होम टाउन था वहाँ से ये मैंगोज़ आ रहे हैं। ही वॉज क्यूरियस टू नो हाउ एंड वेन रांचीपुर स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग सच अ गुड क्वालिटीज मैंगोज़। वो एकदम बेचुक हो गया कि उसे जानना था कि रांचीपुर में इतने अच्छे मैंगोज़, इतने गुड क्वालिटीज के मैंगोज़ कैसे आने लगे। नेक्स्ट मॉर्निंग ही बोर्डेड अ बस फॉर रांचीपुर। ही थ्रू एंड इंक्वायरी रीच द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ सच मैंगोज। नेक्स्ट मॉर्निंग उसने क्या बस किया, टिकट लिया, बस लिया, वहाँ पे चला गया रांचीपुर में, और फिर उसके मैंगो का फेमस जगह जो है पूछते पूछते, इंक्वायरी करते करते गया। ही वॉज सरप्राइज टू सी एंड नो दैट द मैंगोज वर कमिंग फ्रॉम हिज ओन फार्म विच ही हैड सोल्ड लॉन्ग अगो। वो सरप्राइज हो गया कि ये जो मैंगोज है वो उसी फार्म से आ रहे जिसने, जो इसने कई साल पहले बेच दिया था। ही वेंट टू मीट द फार्मर हु हैड बॉट हिज फार्म। द फार्मर टोल्ड हिम द ईयर यू हैड सोल्ड मी योर फार्म वॉज अ ड्राउट ईयर, दैट ईयर द ट्रीज हैड रिमेंड फ्रूटलेस, बट द नेक्स्ट ईयर द ट्रीज वर लोडेड विद प्लम्प मैंगोज। आई गॉट द फार्म सॉइल टेस्टेड एंड थ्रू द रिपोर्ट आई केम टू नो दैट सच सॉइल वॉज मोस्ट मॉइस्ट मोस्ट सूटेड फॉर मैंगोज। उसका फार्मर जो था जिसको उसने बेचा था वो बोलता है कि तुमने जो साल में मैंगो ट्री और फार्म बेचा था वो साल में मैंगोज तो नहीं थे, लेकिन नेक्स्ट ईयर उसमें इतने मैंगोज आने लग गए, बहुत पूरा बंच भर के मैंगोज आने लग गए, तो मैंने टेस्टिंग करवाई, जो मिट्टी जो थी उसे टेस्टिंग करवाई, तो उससे मालूम पड़ा कि ये जो मिट्टी है उसका जो क्वालिटी है वो इतना अच्छा है, मैंगो के लिए बहुत अच्छा है। इमीडिएटली सॉल्ड द होल फार्म विद सच सेप्लिंग्स, इट इज़ माई फार्म्स मैंगोज विच आर फेमस फार एंड वाइड। इमीडिएटली सॉल्ड द होल फार्म, उसने देखा और बोला, तो फिर उसने बोला कि फिर मैंने तुरंत ही पूरे फार्म में मैंगो का बीज लगा दिया और पूरा मैंगो ट्री सैपलिंग किया। लिसनिंग टू द वर्ड्स ऑफ द फार्मर कृष्णा वॉज इन टीयर्स। जैसे उसने फार्मर की ये बातें सुनी तो कृष्णा की आंखें पूरी भर गई। ही हैड मिस्ड द अपॉर्चुनिटी ऑफ ओनिंग द फेमस मैंगोज बिकॉज ही शोड नो पेशेंस। उसने महसूस किया, फील किया कि मैंने सब्र नहीं किया, इसीलिए मैंने वो अपॉर्चुनिटी खो दिया जिसका ये फेमस मैंगो आज है, मैंने वो खो दिया। सब्र का फल मीठा होता है, सुना ना आपने, तो इसने सब्र नहीं किया, पेशेंस नहीं रखा, इसने वो अपॉर्चुनिटी खो दिया। सो द एक्सरसाइज इज देयर, क्वेश्चन आंसर्स एंड एवरीथिंग, सो दैट वी हैव सेंड यू द आंसर कीज, सो यू हैव टू राइट दी योर क्वेश्चन आंसर्स वो आंसर कीज। So now we'll learn chapter number 6. Chapter number 6, Sweet Example. वर्ड्स एंड एक्शन शुड बी सेम। स्वीट एग्जाम्पल, वर्ड्स एंड एक्शन यानी कि हम जो बातें करते हैं और हम जो काम करते हैं वो चीज़ें सेम होनी चाहिए। कभी कभार कोई कोई बोलता कुछ है और करता कुछ और है, इसीलिए इधर क्या बोला है, वर्ड्स एंड एक्शन शुड बी सेम। देर वॉज वंस अ बॉय हु लिव्ड लव्ड ईटिंग स्वीट्स। एक आदमी, एक लड़का था जिसे बहुत ज़्यादा मिठाई खाना पसंद था। ही ऑलवेज आस्क्ड फॉर स्वीट्स फ्रॉम हिज फादर। His father was a poor man. He could not always afford sweets in his son. For his son, उसके फादर से वो हमेशा स्वीट मांगते रहता था, मिठाई मांगते रहता, लेकिन उसका पप्पा जो था वो काफ़ी गरीब था, उसके वजह से वो हमेशा उसको मिठाई लेकर देना उसे पॉसिबल नहीं था। अफोर्ड यानी कि वो खरीदने का उसके पास इतने पैसे नहीं थे।
बट अ लिटिल बॉय डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस एंड डिमांडेड स्वीट्स ऑल द टाइम. लेकिन ये छोटे बच्चे को हमेशा समझता नहीं था कि डैडी के पास पैसे नहीं है इसलिए मुझे नहीं दिला रहे वॉट एवर इट इज़, लेकिन हमेशा वो स्वीट मांगते ही रहता था. द बॉयज़ फादर थॉट हर्ड अबाउट हाउ टू स्टॉप द चाइल्ड फॉर आस्किंग सो मैनी स्वीट्स. देर वॉज अ होली मैन हु लिव नियर बाय. द बॉयज़ फादर डिसाइडेड टू टेक द बॉय टू द होली मैन हु माइट बी एबल टू persuade. Persuade yani ki provide a sound reason to do something. ठीक है, तो एक दिन क्या होता है, वो सोचता रहता है कि ये मेरा बेटा हमेशा मिठाई मांगते रहता है, मिठाई मांगते ही रहता है, तो अभी इसको मैं कैसे रोकूँ, कैसे बंद करवाऊँ. तो पास ही में एक होली आदमी, होली यानी कि पंडित रहते थे, तो वो पंडित के पास लेके जाता है और वो डिसाइड करते हैं कि इस होली आदमी को हम बोलेंगे कि कुछ तो ऐसे करो जाके इससे ये स्वीट मांगना बंद करें. द चाइल्ड टू स्टॉप आस्किंग फॉर स्वीट्स ऑल द टाइम. द नेक्स्ट मॉर्निंग द फादर टुक हिज सन टू द होली मैन. द फादर सेड, ओ ग्रेट सेंट, कुड यू आस्क माय सन टू स्टॉप आस्किंग फॉर स्वीट व्हिच आई कैन नॉट अफोर्ड. बोलता है कि आप प्लीज़ इसको पूछ सकते हो कि तू स्वीट मांगना बंद कर सकता है क्या, जो मैं तेरे लिए हमेशा ले नहीं सकता. द ग्रेट सेंट वॉज इन डिफिकल्ट बिकॉज ही लाइक्ड स्वीट्स हिमसेल्फ. वो सेंट जो था वो खुद भी एक डिफ़िकल्ट में था क्योंकि उसे खुद को भी मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद था. हाउ कुड ही आस्क अ बॉय टू गिव अप आस्किंग फॉर स्वीट्स. तो वो सोच रहा था कि मैं कैसे इसे बोलूँ कि स्वीट्स मांगना बंद कर दें. द होली मैन सेड नथिंग एंड आस्क्ड द फादर टू ब्रिंग हिज सन बैक आफ्टर अ मंथ. उस वो होली मैन जो था उसने कुछ भी नहीं बोला और उसने बोला कि एक महीने के बाद तू उसे लेकर आ फिर से. ड्यूरिंग दैट मंथ द होली मैन गेव अप ईटिंग स्वीट्स. उस मंथ में उसने क्या किया, मिठाई खाना बंद कर दिया था. व्हेन द बॉय एंड हिज फादर रिटर्न आफ्टर अ मंथ द होली मैन सेड द बॉय, माई डियर चाइल्ड विल यू स्टॉप आस्किंग फॉर स्वीट्स विच योर फादर कैन नॉट अफोर्ड टू गिव यू. बोलता है बेटा क्या तुम अभी मिठाई मांगना बंद करोगे जो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए नहीं ले सकते हैं. फ्रॉम देन ऑन द बॉय स्टॉप्ड आस्किंग फॉर स्वीट्स. तभी से उस बच्चे ने मिठाई मांगना बंद कर दिया. द बॉयज़ फादर आस्क द होली मैन, व्हाई डिड यू नॉट आस्क माय सन टू गिव अप आस्किंग फॉर माय स्वीट्स फॉर स्वीट्स When we came to you a month ago, वो बोलता है कि तुमने एक महीने पहले आपने मेरे बेटे को क्यों नहीं बोला कि मिठाई खाना, मिठाई मांगना या मिठाई खाना बंद कर दो, जब मैं तुम्हारे पास एक महीने पहले मेरे बेटे को लेकर आया था. तो होली मैन क्या बोलता है, हाउ कुड आई आस्क अ बॉय टू गिव अप स्वीट्स वैन आई लव स्वीट्स माई सेल्फ इन द लास्ट मंथ गिव अप ईटिंग स्वीट्स. क्या बोलता है कि जब मैं खुद को, मुझे इतना स्वीट्स पसंद है, मैं खुद खाता हूँ बहुत ज़्यादा, तो जब मैं खुद करता हूँ तो वो छोटे से बच्चे को कैसे बोल सकता हूँ कि तुम बंद कर दो खाना या तुम मांगना बंद करो. जब तक मैं खुद नहीं करता तो उसे नहीं बोल सकता. इसीलिए अभी गए महीने ही मैंने स्वीट्स खाना बंद कर दिया, इसीलिए मैंने छोटे बच्चे को भी बोला कि अभी तुम भी मांगना बंद करो. प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच. मतलब जो तुम बोलते हो वही तुम एक्शन करो. प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच. वही प्रैक्टिस करो जो तुम प्रीच करते हो. ठीक है, मतलब जो तुम बोलते हो वही तुम्हारा एक्शन होना चाहिए. जो तुम बोलते हो वही तुम्हारा एक्शन होना चाहिए. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है. इसीलिए यहाँ पे क्या है, ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल. हम जब तक एग्जाम्पल लीड नहीं करेंगे तो हमारे कैसे होते, पेरेंट्स कभी कभी कुछ चीज़ें करते हैं वही सेम बच्चे भी करते हैं, राइट. तो कभी कभार कैसा होता है कि पेरेंट्स को भी वो चीज़ें करनी चाहिए तो अपने आप बच्चा सेम चीज़ें करेगा. तो हमेशा लीड बाय एग्जांपल. जब हम करेंगे तो हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन हमें देख के वो अच्छी अच्छी चीज़ें करना शुरुआत करेंगे. सो वेलकम टू चैप्टर नंबर 7, नो पेन नो गेन. स्ट्रगल्स मेक्स अस शाइन. जब हम स्ट्रगल करते हैं ना तो हमें वो शाइन मिलता है. जब तक हमें कोई पेन नहीं मिलेगा तब तक हमें कोई चीज़ मिलेगा नहीं, राइट. तो आर्यन वॉज अ यंग बॉय हु लव्ड कलरफुल बटरफ्लाइज.
He used to spend lot of time watching butterflies and how butterflies would struggle transform from an ugly caterpillar into a beautiful one. तो एक लड़का था आर्यन, ठीक है, उसे कलरफुल बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा पसंद है. तो वो क्या करता था, बहुत समय तक वो देखता ही रहता था कि बटरफ्लाइज जो है एकदम गंदे से अगली कैटरपिलर रहता है, वो कीड़ा रहता है पहला एक, फिर कीड़े से वो लोग बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म होते हैं. तो वो ये सारी चीज़ें नोटिस करता था कि एक अगली कैटरपिलर से ये लोग कितने अच्छे सुंदर बटरफ्लाई कैसे बन जाते हैं. One summer afternoon, Aryan was in the garden. He saw a cocoon with tiny opening. उसने एक दोपहर में गार्डन में क्या देखा, एक कोकन देखा. कोकन यानी कि क्या, कोकन यानी कि अ कवरिंग ऑफ और केस, कवरिंग या फिर एक केस, ठीक है, विथ टाइनी ओपनिंग. उसको एक छोटा सा ओपनिंग था. इट मीन दैट द बटरफ्लाई वॉज ट्राइंग टू मेक इट्स वे आउट. उसका मीनिंग जो है, उसमें से बटरफ्लाई अपना एक रास्ता निकाल रहा था उसमें से बाहर आने के लिए. He decided to sit over and watch how the butterfly would come out of the cocoon. He watched the butterfly struggling to break the shell of the cocoon for almost 8 hours. उसने देखा कि एटलीस्ट वहाँ वो उसने डिसाइड किया कि वो वहाँ ही बैठे रहेगा और देखेगा कि बटरफ्लाई कैसे बाहर आता है, कैसे स्ट्रगल करता है. तो एटलीस्ट 8 घंटे लगा कि उसने वो स्ट्रगल किया और वो शेल को तोड़ा बाहर आने के लिए. अनफॉर्चुनेटली इवन आफ्टर कंटिन्यूस अटेम्प्ट फॉर मैनी आवर्स देर वॉज एन नो प्रोग्रेस. इतने बार बटरफ्लाई कैटरपिलर ने कोशिश किया लेकिन वहाँ पर कोई प्रोग्रेस ही नहीं था. Aryan, who had a love for butterfly, decided to help the butterfly. He got a pair of scissors and tweaked yani ki twist or pull with a sharp movement. उसने डिसाइड किया कि बटरफ्लाई को इतना डिफ़िकल्टीज हो रहा है तो हम उसे हेल्प करेंगे. उसने शार्प सीजर लाया, उसने ट्विक किया द कोकन टू मेक अ बिगर ओपनिंग फॉर द बटरफ्लाई एंड रिमूव द रिमेनिंग कोकन. द बटरफ्लाई केम आउट ऑफ द कोकन विदाउट एनी स्ट्रगल. लेकिन बटरफ्लाई को कोई भी स्ट्रगल नहीं हुआ, बिना स्ट्रगल से वो बाहर आ चुका. अनफॉर्चुनेटली द बटरफ्लाई लुक नो लॉन्गर ब्यूटिफुल. लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, बटरफ्लाई जो था वो खूबसूरत नहीं लग रहा था. इट हैड अ स्वॉलन बॉडी विथ स्मॉल एंड विथर्ड विंग्स. इट हैड अ सोलन बॉडी. सोलन यानी कि क्या, सोलन यानी कि बिकम लार्जर एंड राउंडर इन साइज एंड विथर्ड यानी बिकम ड्राई एंड लाइफलेस. बिकम ड्राई एंड लाइफलेस, उसमें कुछ जान ही नहीं बचेगी. आर्यन दो थॉट दैट सून द बटरफ्लाई वुड एक्सपांड इट्स विंग, श्रिंक द बॉडी एंड टेक ऑफ इन द एयर. वो क्या सोच रहा था, अभी अपना बॉडी को एक्सपांड करेगा, वाइड करेगा, फैलाएगा, फिर झटकेगा और फिर बाद में उड़ेगा. बट नाइदर द विंग्स एक्सपांडेड नॉर द स्वॉलन बॉडी रिड्यूस्ड इन साइज. उसका साइज भी कुछ कम नहीं हुआ. द बटरफ्लाई जस्ट क्रॉल्ड अराउंड. इट वॉज नेवर एबल टू फ्लाई ऑल थ्रू इट्स लाइफ. क्रॉल्ड यानी कि वो सिर्फ चल रहा था लेकिन उसका पूरा लाइफ वो उड़ नहीं पाया. आर्यन्स मदर हु वॉज लुकिंग आउट फॉर हिम saw the butterfly and understood what his son has done. आर्यन की मम्मी ने देखा आर्यन को, ढूंढ रही थी आर्यन को, तो उसने बाहर आर्यन को देखा तब वो समझ गई कि आर्यन ने अभी उसको क्या किया रहेगा. She explained to him, Aryan, although you did it with good intention, intention यानी कि बहुत अच्छे विचार या सोच से तुमने किया, yet what you did was not wrong. तुमने जो किया वो गलत तो नहीं था, तुमने यही सोचा कि उसको तकलीफ हो रहा है तो अपन हेल्प करने दें. It only after going through the struggles that the butterfly would grow like any other butterfly, beautiful butterfly. The continuous effort from the butterfly come out of the cocoon would let the fluid stored in the body convert into wings. The body would become lighter and smaller and then the wings would be beautiful and large. बोलते हैं जैसे वो लोग को कोशिश करते रहते हैं तो फ्लूइड स्टोर हो जाता है, उससे उनका वजन कम हो जाता है, उनका जो फ्लाई
उनका जो विंग्स है वो बड़े हो जाते हैं और वो फ्लाई कर सकते हैं. सिमिलरली इन लाइफ ओनली व्हेन वी अंडरगो स्ट्रगल्स एंड फेसेस चैलेंजेस डू वी शाइन बिकम स्ट्रॉन्गर. स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अस. ऐसी लाइफ में भी होते हैं जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं. इट टीचेस अस दैट वी शुड नॉट ओनली गो थ्रू पेन बट ऑल्सो गो थ्रू पेन. इट मेक्स अस फार मोर स्ट्रॉन्गर एंड डिटरमाइंड. बोलती है कि ये हमें क्या सिखाता है कि हमें हमेशा पेन से हम जब जाते हैं तभी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं. हमें इजीली कोई भी चीज़ मिले तो हम स्ट्रांग नहीं रहते ना, लेकिन जब हम वो पूरा मेहनत करके कुछ कमाते हैं, मेहनत करके कुछ चीज़ें हासिल करते हैं तो उसका फीलिंग अलग ही रहता है. दैट मेक्स अस स्ट्रांग, राइट? सो वी हैव सेंड यू द आंसर कीज. यू हैव टू राइट डाउन द एक्सरसाइज ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एंड आंसर इन वन वर्ड एवरीथिंग. ओके.